हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 9 व्हिच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें अपनी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 13.1। अब 13.1 सॉल्व करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ फंडामेंटल्स चाहिए होंगे। अब वो फंडामेंटल्स किस रूप में होंगे, इस 13.1 एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें दो टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्यूब और दूसरा टॉपिक जो आपका है वो क्या है, क्यूब आर है। तो सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें इन दो टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, तो बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 3D फिगर्स। ये जो दोनों जो फिगर है ये क्या है, 3D फिगर्स है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 3D फिगर्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 3D फिगर्स। तो 3D फिगर्स आर दोस फिगर व्हिच हैज लेंथ ब्रेथ एज वेल एज हाइट। ऐसा कोई भी फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 3D फिगर्स बोलते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों हमारे क्या है, 3D फिगर्स। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी हमारे क्या होंगे, सिलेंडर कोन हेमिस्फीयर स्फीयर सारे क्या है, हमारे 3D फिगर्स है। जिसमें अभी हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, क्योंकि हमारे 13.1 एक्सरसाइज में हमें इन्हीं दोनों टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो अब बात आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड को पहचानेंगे कैसे। जैसे अब पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने से पहले हमें इसके इस टॉपिक क्यूब और क्यूबॉइड में अपने क्वेश्चन में समझने से पहले हमें तीन टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला टॉपिक है फेस, दूसरा है एजेस और तीसरा है वर्टेक्स। ये तीन चीज क्या होगी, जैसे अभी आप अपने रूम में बैठे हैं, ठीक। इस रूम में आप वो रूम जो जिसमें आप बैठे हुए हैं और अभी पढ़ रहे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, वो रूम जो है वो क्यूब भी हो सकता है और वो क्यूबॉइड भी हो सकता है। किस पे डिपेंड होगा, ये फेस पे डिपेंड होगा कि जिस रूम में आप बैठे हैं वो क्यूब होगा क्यूबॉइड होगा, वो किस पे डिपेंड होगा बच्चों, फेजेस पे डिपेंड होगा कि उसका फेजेस किस रूप में है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले सपोज कीजिए मैं सोचता हूं कि आपका, सपोज कीजिए मैंने ये ड्रॉ किया, आपका एक रूम है, ठीक है, ये रूम है कोई, ठीक। अब रूम में हमें सबसे पहले पहचानना है ये तीन टॉपिक, फेस एज और वर्टेक्स, ये तीनों होते क्या है। किसी भी रूम में हर एक वॉल, हर एक दीवार जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फेजेस कहलाती है। हर एक दीवार, जैसे कितने दीवार हुए टोटल, अगर आप अपने रूम में देखिए तो एक दीवार आपके सामने है, फ्रंट पे है, एक बैक साइड है, दो, एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे है, फोर, एक अप है, फाइव, और एक डाउन है, सिक्स। यानी आपके रूम में जिसमें आप बैठे हुए हैं, जो कि मैंने कहा कि क्यूब भी हो सकता है क्यूबॉइड भी हो सकता है, उसमें टोटल कितने फेजेस है, सिक्स फेजेस है, ठीक। यानी सिक्स वॉल्स है, छह दीवार है, इसलिए उसमें कितने फेजेस हो गए, छह फेजेस हो गए। तो आपको बेसिकली पता चल गया कि चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे आपका क्यूब होगा या आपका क्यूबॉइड होगा, दोनों में जो फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्स होते हैं, ठीक। एजेस क्या होते हैं, दो फेजेस, जैसे आपका ये मैं कह दूं, ये एक फेज, ये एक फेज है और एक पीछे का फेज है, ये ना बैक साइड का ये जो फेज है, ठीक। ये दोनों फेजेस इस लाइन पे मिल रहे हैं, दो फेजेस, फेजेस क्या है, ये फेज है आपका, ठीक। हर एक दीवार जो है वो आपका क्या है, फेज है। दो फेजेस जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एजेस कहलाती है। आइए काउंट करते हैं एजेस कितने हैं, टोटल एजेस अगर आप देखेंगे अपने रूम में तो दो चार लाइन आपको स्टैंडिंग में दिख रही होगी, ठीक। फोर रूम, आपके रूम में फोर लाइन जो है स्टैंडिंग में, चार ही होंगे, चार जो है वो आपके अप पे है, चार लाइन आपके अप पे है क्योंकि आठ हो गए, और चार लाइन आपके डाउन पे है, यानी टोटल कितने हो गए, चार चार आठ चार बारह, 12 एजेस, देयर आर 12 एजेस इन क्यूब एंड क्यूबॉइड एज वेल, ठीक। नाउ वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री फेजेस, जहां पे आपके तीन फेजेस मिलते हैं, जैसे एक फेज ये आपका पीछे का, एक आपका अपर का होगा और एक आपका राइट साइड का होगा, तीन फेजेस आपके, एक दो तीन फेजेस जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये आपका पीछे वाला दीवार है बैक साइड पे, ये आपका राइट साइड दीवार है और ये आपका फ्रंट वाला दीवार है, जिसपे आपके जहां भी तीनों पॉइंट यहां पे भी इंटरसेक्ट कर, ये भी आपका वर्टेक्स है और ये भी आपका क्या है, वर्टेक्स है। यानी थ्री फेजेस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका वर्टेक्स कहलाता है, दो फेजेस जहां पे जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एज कहलाती है, और फेज तो मैंने आपको बताया वॉल। तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए, अगर आप अपने अप पे देखेंगे, अपने रूम के अप पे देखेंगे तो आपके चार कोने आपको अप पे दिख रहे होंगे, चार कोने आपको डाउन पे दिख रहे होंगे, यानी टोटल एट वर्टेक्स होते हैं, ठीक। तो ये तो चीज हो गई कि आपको ये पता चल गया कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसमें फेजेस कितने होते हैं, सिक्स फेजेस होते हैं, और हर एक फेज होता क्या है, वॉल, वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड, या वॉल ऑफ द फिगर इज कॉल्ड फेजेस, ठीक। एंड एजेस क्या है, जहां पे दो फेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग एजेस बोल सकते हैं, और जहां पे तीन फेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक। अब बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा जो फिगर है, जो हमारे क्वेश्चन में जो फिगर दिए रहेंगे वो क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो क्योंकि हमें फेज के बारे में पता चल गया इसलिए हम डिफरेंस जान सकते हैं। अगर हमारे किसी भी फिगर में जो फेज है
वो स्क्वायर होगा। अगर हमारे क्यूब या क्यूबॉइड में हमें पहचानना कैसे, फेस के बेसिस पे। फेस अगर हमारा हर एक फेस जो है वो स्क्वायर है तो हमारा जो फिगर होगा वो क्यूब होगा, और अगर हमारे हर एक फिगर में जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप में होंगे तो वो हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। यानी क्यूब में हर एक फेस जो होते हैं वो स्क्वायर से मिलकर बने होते हैं, और क्यूबॉइड में हर एक फेस जो होते हैं वो बेटा रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब इसके फिगर में डिफरेंस क्या होता है, फिगर में बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके क्योंकि मैंने अभी बताया क्यूब में हर एक फेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, यानी आपको इसकी सारी लेंथ क्या दिखेगी, बराबर दिखेगी। यानी अगर इसकी एक लेंथ ये जो है जिसको हम लोग लेंथ बोल सकते हैं वो ए है, तो इसकी ब्रेथ भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी हाइट भी क्या होगी, ए होगी। यानी तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होगी, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये 3D फिगर होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, लेकिन इसमें क्यूब के केस में क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर होती है, इसलिए इसके तीनों साइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगे। लेकिन रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के केस में आपको पता है एक साइड बड़ी होगी और एक साइड क्या होगी, छोटी होगी, ठीक। जो साइड बड़ी होती है उसे हमें पता है वो क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है, और जो साइड छोटी होती है वो क्या कहलाती है, ब्रेथ कहलाती है। क्योंकि ये 3D फिगर जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इसको बनाएंगे, तो आपको ये फिगर कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक। अब आपको यहां दिख रहा है एक साइड इसकी बड़ी और एक साइड छोटी है, तो अगर आपको ये बड़ी वाली साइड लेंथ कहलाएगी, ये वाली साइड आपकी ब्रेथ कहलाएगी, और ये वाली साइड आपकी क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कहलाएगी। तो अब हमें बात यह है कि क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, ठीक। अगर हमें स्क्वायर ऑफ फेस रेक्टेंगल नहीं दिया जाएगा तब कैसे पहचानेंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन में बेटा आपको जब आप 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक साइड दी जाएगी, क्वेश्चन में कभी भी एक साइड दी रहेगी, तो आप तुरंत समझ जाएगा वो क्या है, क्यूब है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 13.1 के किसी भी क्वेश्चन में, ठीक, अगर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी रहती है, तो आप बच्चों तुरंत समझ जाएंगे वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है।